अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो दोस्तों, मैंने आपको पार्ट वन में बताया था इस्तांबुल से दोगो ब्याज तक, ठीक है। दोगो ब्याज की जो इंटीरियर ऑटोकार की जो कंडीशन है, वो भी मैंने वीडियो बनाई है, वो मैं इसमें मर्ज कर दूंगा। ठीक है, तो इंटीरियर कंडीशन आप खुद देख रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी और अफगानी जो लोग हैं, वो इधर बेचारे जलील हो रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं। एक बंदा है, हमें ऐसा भी मिला है जो कि जनाब एक महीने से इधर जलालत में है, ठीक है, और पुलिस पड़ी है और वो सेफ से भाग निकला, ठीक है। उसको आगे टिकट नहीं मिल रही। तकरीबन तो कोई 1000 बंदा ऐसा देखा है जिसको ऐसे एजेंट लोग जो है वो जलील कर रहे हैं, ख्वार कर रहे हैं, ठीक है। क्या टिकट नहीं मिल रही, ये है वो है, किसी की पेमेंट नहीं क्लियर हो रही, सब दोगो ब्याज में जो है ना वो जलील ख्वार हो रहे हैं। सही बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जब हमारी बारी आई तो हमें भी 4 घंटे 5 घंटे उधर बिठाई रखा है ऐसे, ठीक है। उसके बाद सर माशाल्लाह गाड़ी आई, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉलों के बाद, बहुत ज़्यादा काले करने के बाद गाड़ी आई। गाड़ी आने के बाद हमें इधर के लिए रवाना कर दिया गया, और कोई पता नहीं था किसके साथ जाना है, ठीक है। तो इधर जाने के लिए हमें 10 किलोमीटर गाड़ी के साथ सफ़र किया हमने, तो उतार दिया। फिर एक गांव था ऐसे ऐसे चौकी थी, और हमें ऐसे गुजर के जाना था, ठीक है। तो जब हम गांव में से गुजरे तो हमें दो कुर्दे लोगों के साथ टकराव भी हुआ। एक बोलता है आओ हम तुम्हारी मदद करते हैं, और दूसरा जो है वो पुलिस को फ़ोन करने लगा था। जैसे पुलिस को फ़ोन किया, चलो हमारी गाड़ी आ गई, हम बच गए उधर से, ठीक है। आगे फिर एक जगह पर चौकी थी जो इधर इधर सिटी है ना, इधर से बॉर्डर बिल्कुल करीब था, जो है ना इधर का बॉर्डर, ईरान का बॉर्डर, ये बिल्कुल करीब है, सामने सामने नज़र आता है। हमने खुद ही पार किया, अभी अभी वीडियो के आगे आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इधर लाने के बाद उन्होंने हम लोगों को इधर ऑटो कार में छोड़ा, कोई सेफ में नहीं लगाया, कोई दोगो ब्याज कोई वगैरह में नहीं डाला, ठीक है, किसी जगह पर नहीं रखा। इधर से आगे हमें जो है ना बॉर्डर पर लाने के लिए इधर ऑटो कार में डाला, ठीक है। दो चौकियाँ इसमें आई, और हमने खुद ही वो हमको बता दिया गया कि इधर चौकियाँ और ऐसे तुमने आना है, ठीक है, घूम के। तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे पैदल घूमते थे तो फिर एक चौकी क्लियर होती थी। पहली चौकी चौकी थी जो, वो तो आसानी से 10 लगा रहे आधे घंटे में हो गई थी क्लियर। और जो दूसरी चौकी थी वो पहाड़ों में से गुजरना था, तो और बहुत दूर थी, बहुत लंबी थी, यानी कि बहुत गहराई में जाना था, और उसके बाद हमें ऊपर चढ़ना था, ठीक है। तो तकरीबन 3 4 घंटे मैक्सिमम लगे। उधर से फिर गाड़ी का सफ़र था, गाड़ी के सफ़र से तकरीबन आधे घंटे के बाद इधर ऑटो कार में आए। इधर ऑटो कार में हमने देखा तो वहाँ भी यार अफगानियों के ढेर लगे हुए हैं, ठीक है। ऑटो कार में उन लोगों ने घर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये हालात थे भाई। तो रात तो हो गई, शाम का टाइम का था कोई तकरीबन 6 7 का, तो हमने एजेंट को कॉल की कि हम लोग पहुँच गया है। तो उसने बोला चलो गाड़ी आ जाती है। तो ये शुक्र है कि गाड़ी आ गई, वरना हमको भी उधर रात एक गुजारना पड़ती। गाड़ी आई, उस गाड़ी से आगे नई गाड़ी में हमें शिफ्ट किया गया, ठीक है। उससे हमें जो है ना वो निकाला गया, जैसे निकाला गया, ठीक है। तो एक बात मैं हमेशा कहता होता हूँ कि तुर्की वाले जब हमको निकालना चाहते हैं या इधर रहने दे रहे हैं तो उनकी मेहरबानी है, और अगर निकालना चाहें तो ऐसे ऐसे 1 मिनट भी नहीं लगाए, ठीक है। क्योंकि ये कौम जो है ये बहुत पुख्ता है, ठीक है। ये लोग पुलिस को कॉल करके बताएंगे इधर इधर ये जो जबानजी लोग हैं, यानी कि गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, ठीक है। सर हमने पेट्रोल डलवा के ऐसे बाहर एंट्री हुई है रोड पे हमारी, ऐसे गाड़ी आगे से ऐसे आई है, वो फरारी वाला सीन होता है ना, ऐसे आई है गाड़ी, आगे ब्रेक लगाई है उसने, हमारे दो बंदे गाड़ी से भाग गए हैं, ठीक है। फिर उसने हमको जाने दिया, ठीक है, लेकिन वो सिविल वर्दी में थे पुलिस वाले, और एक गाड़ी थी और 6 7 लोग थे। लेकिन उसने बोला, जो ड्राइवर का ड्राइवर था उसको बोला कि अल्लाह तुम्हें पूछेगा ये इंसान है कैसे तुम दे। उसने हम लोगों को जाने दिया। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे के दरम्यान हमको उसने उतार दिया बॉर्डर पर। बॉर्डर जो था वो कुछ ऐसा था कि ऐसे इधर ईरान का बॉर्डर था और इधर जो है ना वो अजरबैजान का बॉर्डर था, और दरम्यान दरम्यान में रोड था, ठीक है। तो उस रोड पे हम लोगों को उसने उतारा, और उसके बाद कोई डेंकर नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। हम छः बंदे थे, ठीक है, जिसमें एक फैमिली थी और 4 हम लोग थे, ठीक है, जो ऐसे मेरे जैसे थे, ठीक है।
उसके बाद सर वो का फैमिली वाले के साथ कॉल पे रब्ता था, तो कॉल पे उसने रब्ता किया, तो हम ऐसे ही एक नाला सा था जैसे नहर होती है ठीक है, उसके साथ चलते 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 आर्मी ने हमें पकड़ लिया। आर्मी ने पहले आर्मी ने हमको बुलाया, हम लोग नहीं गए ठीक है, लेकिन फिर वो गाड़ी लेकर आए और हम लोगों को ले गए ठीक है। तो आर्मी ने पकड़ लिया, आर्मी ने पकड़ के हमें बॉर्डर क्रॉस कराया ठीक है। आर्मी ने बॉर्डर क्रॉस कराया तो कुछ कहा नहीं, वैसी तलाशी वगैरह ली तो बॉर्डर क्रॉस करा दिया। बॉर्डर थी कोई 6-7 फुट दीवार थी और उसके ऊपर जाली लगी हुई थी, जाली कटी हुई थी ठीक है, उधर से उन लोगों ने हमें बॉर्डर क्रॉस करा दिया। उसके बाद सर आगे का जो सीन था वो कुछ ऐसा था कि आगे बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ बैठी हुई थी, फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा थी हमारे साथ, तो उसके बाद लड़के भी आए लेकिन फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा थी ठीक है। उधर तक जो है ना, फिर एक डंकर आया, आगे भी दो नहर थी, एक नहीं दो नाले थे छोटे छोटे, लेकिन पानी बहुत गंदला और ठंडा था ठीक है। तो ट्यूब की मदद से उसने हमें क्रॉसिंग कराई सारी नहर, एक एक बंदे के लिए, एक बंदा उधर से खींचता था, एक बंदा इधर से, जैसे ये यूनान की नहर आपने सुना होगा ठीक है, बिल्कुल सेम वैसा ही सीन था ठीक है। उसके बाद वो हमको एक डाले में डाल के ठीक है, जो डाले 4x4 थे उसमें डाल के, तो सेफ में ले गए जहाँ पेमेंट ओके होनी थी ठीक है। तो उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मेरे चैनल पर अपलोड की जाएगी ठीक है। मेरा चैनल है कोजा मुंडा YouTube.com ठीक है, उधर आपको सब वीडियो सब अगली जो डिटेल थी ना कि पुलिस क्या सलूक करती है, पुलिस पकड़ती है या नहीं पकड़ती, क्या जुर्माना लेती है, तोड़ पाकिस्तान आने तक क्या क्या देना पड़ता है, कितने पैसे लगते हैं, ये सब मैं इंशाल्लाह एक एक वीडियो में पार्ट्स की शक्ल में आपको बताऊंगा ठीक है। और आप ज़रूर वीडियोस देखिएगा ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कीजिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट। थैंक यू वेरी मच।